सो हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी गाइस, क्योंकि आज की वीडियो में अगर आप भी जियो फोन चलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आ गई है। जी हाँ गाइस, बहुत जन सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे थे कि क्या जियो फोन में टीवी का रिमोट का काम करेगा। जी हाँ गाइस, जियो फोन रिमोट का काम करेगा। जैसे कि अगर आप कोई सी टीवी है आपके घर में, तो आपको बिना रिमोट से आप अपने जियो फोन से क्या उस टीवी में टीवी को चला सकते हैं, ऑफ ऑन या वॉल्यूम अप या डाउन सब कंट्रोल कर सकते हैं। टीवी का पूरा फ्यूचर आप अपने जियो फोन से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चैनल बने रहिएगा, आपको यही बताएंगे कि क्या आप अपने टीवी का रिमोट जियो फोन को बना सकते हैं या नहीं, या जियो फोन ये टीवी का रिमोट में काम करेगा या नहीं करेगा, जियो फोन टीवी में कंट्रोल कर टीवी को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए यही लेके आए हैं। अगर चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे लाइक करके सब्सक्राइब बटन में जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आप ठीक से वीडियो को नहीं देख समझ पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं गुरुजी टेक्नोलॉजी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल में लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले ये जियो फोन के ऊपर ये वीडियो है। गाइस एक सब्सक्राइबर है, बहुत दिन से हमारे पास कमेंटमेंट आया था, बहुत जन बोल रहे थे क्या जियो फोन में रिमोट सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उनका सब्सक्राइबर लोगों का कहना है क्या अगर हम जियो फोन में ओमनी HD डाउनलोड करते हैं और ओमनी HD के बाद हम जियो फोन में रिमोट ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या इसमें काम करेगा या नहीं करेगा, टीवी में चैनल बदलेगा या नहीं करेगा। पहली बात गाइस, अगर आप भी जियो फोन चलाते हैं, आपका पुराना मॉडल का जियो फोन है या नया मॉडल का जियो फोन है, क्योंकि ये जैसे देख सकते हैं पुराना मॉडल का जियो फोन है और इसी में नया अपडेट आ गया है, तो वो नया मॉडल का भी जियो फोन है। बहुत जन के पास यही वाला जियो फोन होगा और बहुत जन के पास तो अभी नया अपडेट वाला भी जियो फोन होगा। गाइस आपके पास जौन सा फ़ोन है तो ये जियो फोन एक ही काम करता है, जो इसमें ट्रिक काम करेगी वो उसमें भी वही ट्रिक काम करेगी, और उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं, इसमें कुछ कम फीचर्स हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि क्या हम इसमें ओमनी HD इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और जब ओमनी HD डाउनलोड हो जाता है तो उसमें जियो फोन में फिर हम रिमोट ऐप को डाउनलोड करते हैं और फिर हम टीवी कंट्रोल करके देखते हैं उसमें टीवी कंट्रोल होगी या नहीं होगी। तो गाइस हम उन सब्सक्राइबर को बता देते हैं। पहली बात, अगर आप इसमें ओमनी HD तो आप डाउनलोड कर लेंगे, ओमनी HD डाउनलोड करने के बाद अगर आप रिमोट ऐप को भी डाउनलोड करते हैं तो आप कौन सा रिमोट ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जो रिमोट ऐप है MI का जो रिमोट ऐप है, तो जो काम करता टीवी में वर्क करता, अगर आपके पास भी MI का फ़ोन होगा तो उसमें भी MI का रिमोट रहता है, तो उसमें बराबर ही वर्क करता है, क्योंकि वो एंड्रॉयड फ़ोन रहता है, उसमें रैम पर रहती है, इसलिए उसमें सपोर्ट कर जाता है। बात करते हैं जियो फोन में, तो जियो फोन में उतनी रैम नहीं रहती है कि वो उतनी रैम नहीं रहती कि रिमोट ऐप को ये सपोर्ट कर सके, क्योंकि रिमोट जो MI का रिमोट ऐप है तो उसकी फाइल ही बहुत ही MB की रहती है, फाइल को भी ये जियो फोन सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बाय चांस अगर इस जियो फोन में ओमनी HD से अगर इसमें डाउनलोड कर भी लेते हैं रिमोट ऐप, तो इसमें वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सपोर्ट के ऊपर रहेगा, जियो फोन में लोड हो जाएगा और ज़्यादा लोड के कारण वो MI रिमोट नहीं काम कर पाएगा, ठीक से वर्क नहीं करेगा। बहुत जन बोल रहे थे कि अगर हम ओमनी HD से डाउनलोड करने के बाद हम ट्राई करते तो 100% ये वर्क करेगा, आप इसे ट्राई करके देखिएगा गाइस। तो हम इसमें ट्राई करके भी देख चुके हैं, इसमें हमने ओमनी HD डाउनलोड भी करा रहा, ओमनी HD डाउनलोड करने के बाद फिर हमने इसमें रिमोट ऐप भी डाउनलोड किया रहा, तो रिमोट ऐप भी हो गया रहा पर ठीक से वो काम ही नहीं कर रहा था, वो ऑन ही नहीं हो रहा था, उसमें डिलीट का ऑप्शन आ रहा था, फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा था, लोड हो गया था जियो फोन में, ज़्यादा लोड के चक्कर में जियो फोन भी हैंग करने लगता है। तो गाइस अगर आप रिमोट ऐप भी इसमें डाउनलोड कर लेंगे ओमनी HD की मदद से, तो इसमें सपोर्टेड नहीं है कि ये जियो फोन TV को कंट्रोल कर सकें। पर गाइस बहुत जल्दी इसमें ऑप्शन आ सकता है, जो गाइस नया जियो फोन अगर आप लिए हैं तो उसमें बहुत जल्दी ऑप्शन आएगा। बहुत जन कह रहे थे कि इसमें काम करेगा या नहीं करेगा, तो हम आपको बता देते हैं गाइस, इसमें अगर बाई चांस अगर आप रिमोट ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें सपोर्टेड नहीं है, आप TV को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नया वाले जियो फोन में बहुत जल्दी अपडेट आने वाला 2021 से पहले, तो उसमें अगर
इसमें अपडेट आ सकता है नए वाले जियो फोन में कि आप टीवी के रिमोट को कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने जियो फोन से गाइस, तो वो उसमें 100% वर्क करेगा। पर अभी तक ये पुराने वाले जियो फोन में नहीं बताया जा सकता है कि इसमें फीचर्स में क्या इसमें अपडेट आएगा, रिमोट को कंट्रोल टीवी को कंट्रोल करने का इसमें फीचर्स आएगा या रिमोट का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, इसमें तो अभी कुछ नहीं आपको बोला जा सकता है क्योंकि अभी जियो कंपनी के तरफ जियो फोन की कंपनी के तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी नहीं हुई है कि जियो फोन में कुछ ऐसा फीचर्स आएगा। तो इसमें आप डाउनलोड तो कर लेंगे पर सपोर्टेड नहीं है, वो टीवी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एंड्रॉयड ऐप ही एंड्रॉयड फ़ोन ही सिर्फ टीवी को कंट्रोल कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत जन कन्फ्यूज है क्या जियो फोन से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं करते, तो उनको ही पता चल जाएगा कि जियो फोन से टीवी को कंट्रोल नहीं कराया जा सकता है क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर हो जाता है उसका एप्लीकेशन, उसकी फाइल बहुत ही हाई MB की रहती है और ऐप तो कम का रहता पर उसकी फाइल बहुत ही ज़्यादा MB की रहती है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी आप तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पर नहीं है तो नीचे लाइक करके सब्सक्राइब बटन में लाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके बहुत ही काम की नॉलेज रहती है। तो इस वीडियो को हम यही पास ख़त्म करते हैं, उससे पहले गाइस अगर आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ जाकर इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। अगर गाइस अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आपको एडवर्टाइजमेंट करवाना है गाइस, तो आप हमारे नीचे इंस्टाग्राम की ID वहाँ जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम आपका भी एडवर्टाइजमेंट अगले वीडियो में कर सकते हैं। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल या कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो आप करवा सकते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है वहाँ पर इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वहाँ पर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जवाब भी दे देंगे और आपको जो चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करवाना है अगली वीडियो में हम आपका एडवर्टाइजमेंट भी कर देंगे, जिसमें अगली वीडियो में आपकी भी ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो गाइस तो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।